अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमपीस को आप गुंडे कह रहे हो? बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमपीस को आप गुंडे कह रहे हो? इज दिस योर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी? और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, गरीब दलित परिवार से आते हैं, उनके नेतृत्व में हम गए थे, उनको आप गुंडा कह रहे हो आज? ये देश के युवाओं के प्रति अपमान है। 20 लाख लोग हमको वोट देके चुन के भेजे हैं पार्लियामेंट में, और हम आप जैसे पार्लियामेंट में या असेंबली में किसी एक समाज का खून के ऊपर हंसा नहीं व्यक्त करने के लिए गए हैं। वी आर रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है।